तो भाइयों की बहनों, बहनों की सहेलियों और सहेलियों के बेलियों, क्या हाल चाल है। ठिको ना होशो। जैसा कि आपको पता है कि इस दुनिया में काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपने सिर्फ मेन चैनल को रन करते हैं। अब पाकिस्तान की यूट्यूब कम्युनिटी में हर अच्छे यूट्यूबर की दो चैनल है। अब कुछ लोग ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ लोग आवाम को पागल बनाते हैं और कुछ लोग रेगुलरली गेमिंग वीडियो पोस्ट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके चैनल तो दो होते हैं लेकिन दूसरे चैनल का खुदा ही हाफिज होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि हम रोज करने जा रहे हैं लिली गेम को, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाइयों और बहनों, टूटियां पालो तो सीट बेल्ट भी चढ़ा रहा, क्योंकि हम नहीं चाहते आप हंसते हंसते अपनी कुर्सियों से गिर जाएं। कहा जाता है लिली गेमिंग एशिया की सबसे बिगेस्ट बोनी स्ट्रीमर है। मैं बोनी नहीं हूँ, अच्छी खासी हाइट है पर मुझे लंबी होने का शौक था। वैसे बोनी से मेरे जहन में लिली के लिए बहुत अच्छा शेर याद आया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अर्ज किया है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कॉल आ रही है। हेलो यार, थोड़ा हल्का रोस्ट करना, पता लगे मेरे दिल पे तुम्हारा रोस्ट लग जाए यार। ओके बॉस, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। नहीं नहीं, करना करना, कोई नहीं कोई नहीं, अच्छी बात। ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। चलो चलो चलो। हाँ तो मैं कह रहा था, अर्ज किया है, चाहे जौन सी भी हुकूमत आ जाए, यार बहन जो सारे मिल के हमको बनाते रहेंगे, चाहे जौन सी भी हुकूमत आ जाए, यार बहन जो सारे मिलके हमको पाक बनाते रहेंगे, चाहे लिली के हो जाए 1 मिलियन, चाहे लिली के हो जाए 1 मिलियन, फिर भी हम इसे बोनी कहते रहेंगे। डूब के ना मर जाओ तुम, प्लीज चुल्लू पर पानी होगा एक। यार वैसे देखा जाए तो लंबे कद का कोई फायदा नहीं और छोटे कद वाले ही सही रहते हैं। पुत्र फेका, जी अम्मी जी, पुत्र तेरे अब तक कमाए थे डाला लगा नहीं यार, पुत्र ऐ चलाते अम्मी जी किधर हैं डाले मैंने नजर नहीं आंडे, पुत्र एक खब्बी साइड से देख तेरे नजर आएंगे अम्मी जी, कख नहीं नजर आंडे पुत्र, इधे आ मैं विखानी हूँ। यार कद छोटा हो गया तो क्या हो गया, यूट्यूब पे बहुत सारे काबिल हकीम बैठे हैं, उनकी फक्कियां शक्कियां ले, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। यार मैं तो जब भी लिली की स्ट्रीम खोलता हूँ, कभी इसको बुनी बुनी कह रहे होते हैं, कभी इसको और एंटिटी को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, कभी इसको और बबलू पिकाचू को आपस में कंपेयर कर रहे हो, कभी इसको और प्रेडिक्टर को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, भाई। और फिर आगे से कहते हैं लगा दूं, आई थिंक बाबा वर्ड बैन होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, बुनी वर्ड को मैं बैन लगा करो। नहीं यार ये दिल पे लग रहा है, तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। और यार मैंने एक बार नोटिस किया, लिली और एफएस बाबा को आजकल बहुत कंपेयर किया जा रहा है। मानना पड़ेगा कम्पिटिटिव में बोल सकते हैं कि चिकना लड़का है, हाय हाय हाय, वो लव है जिस बात है मारे, है ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अली अल अज़ीम। यार वैसे एफएस बाबा से मुझे एक और शेर याद आ रहा है, पंखा चलता है तो आता है बिल, पंखा चलता है तो आता है बिल, बोर्ड सामने आता है तो मिलता है किल, जब चैट में होता है स्पैम एफएस बाबा तो लिली कहती है हाय मेरा दिल, मेरा दिल। तो वैसे गाइस स्ट्रीमर्स में मेरी सबसे फेवरेट जो स्ट्रीमर है वो लिली है, क्योंकि ये गेम प्ले के साथ साथ कुकिंग भी करती है। अंडे को तोड़ो और किसी बाउल में डालो, फिर नमक डालो, फिर फेटो, फिर वो जो होता है ना पैन, फ्राई पैन में तेल डालो, उसे गर्म करो थोड़ा तेज में, नहीं डला हुआ है ना, हाँ तो उसको तोड़ के डालो, नमक डालो, फेटो, फिर उसमें डाल दो और फिर वो जो जला क्यों दो, फिर पलटो, फिर निकाल लो। गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल, गार्डन गार्डन तो। तो खैर गाइस आज के लिए इतना ही, और एंड में यही कहूंगा ये एक दूसरे को कंपेयर करने वाला ट्रेंड खत्म करो, क्योंकि मुझे लग रहा है किसी दिन लिली को किसी ने शफकत महमूद के साथ कंपेयर कर देना है। तो खैर गाइस वीडियो अगर पसंद ना भी आई हो तो फिर भी लाइक करना, क्योंकि मैंने वीडियो पूरी बना ली थी लेकिन मैं जब एक्सपोर्ट करने लगा तो यार लाइट चली गई। अब वीडियो बनाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मुझे किसी की कॉल आई, और एक मिनट कॉल आ रही है। हेलो, ओए तुमने हमको लीली का वीडियो में क्यों डाला, सही है ना, हम बचाने हम नसवार लेके तुम्हारा घर घुस जाएगा। मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय क्रिकेट उड़ गई, हाय मेरा दिल।